आइए सुनते हैं श्री भक्तामर महास्तोत्र। बोलिए आदेश्वर भगवान की जय। श्री भक्तामर महास्तोत्र की कई गूढ़ मंत्रों और बीज मंत्रों से युक्त आचार्य श्री मानतुंग सूरी महाराजा साहेब ने रचना की। 12वीं सदी में हुए श्री मानतुंग सूरी का जन्म ब्रह्म क्षत्रिय कुल में माता धनबाई और पिता श्री धनदेव के कुल में हुआ। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने दिगंबर परंपरा में दीक्षा ली और बाद में उनकी बहन श्री की प्रेरणा से श्वेतांबर परंपरा में भागवती दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा मानतुंग सूरी। श्री भक्तामर स्तोत्र की रचना के पीछे एक रहस्यमय कथा है। वो इस प्रकार है। एक बार राजा भोज की सभा में महाकवि बाण और महाकवि मयूर की प्रतिस्पर्धा हुई। कुष्ठ रोग के भोगी बने कवि मयूर ने अपने इष्ट देव सूर्य नारायण के प्रति अपने भक्तिभाव व्यक्त करते हुए छंदबद्ध स्तुति और गान किया। परिणाम स्वरूप प्रसन्न हुए सूर्यदेव ने वरदान देकर उसे कुष्ठ रोग से मुक्त किया। अब अभिमान के मारे कवि बाण ने उस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अपने हाथ और पैर काटकर भक्तिपूर्ण चंडिका देवी की छंदबद्ध कविता बनाई, उपासना की और देवी के प्रभाव से उसने अपने हाथ और पैर फिर से पा लिए। अब कवि मयूर और कवि बाण ने अपनी अपनी रचना का प्रभाव दिखाते हुए उन्होंने कहा, कोई जैनियों में इतनी कवित्व शक्ति है जो अपने प्रभाव से बता सके? तब मानतुंग सूरी महाराजा साहेब ने चुनौती स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, एक कार कोठरी में मुझे बंद किया जाए और बेड़ियों से बांध दिया जाए। तब मानतुंग सूरी महाराज ने भगवान ऋषभदेव की एक ही बार में गाथाओं से युक्त वसंत तिलिका छंद में प्रभावशाली इस भक्तामर महास्तोत्र की रचना की और इस स्तोत्र के प्रभाव से सब बेड़ियां टूट गई, बिखर गई और महाचमत्कार हुआ। इस वीडियो के अंदर हरेक गाथा के एक एक यंत्र दिखाए जाएंगे, जिस यंत्र का प्रभाव उस गाथा से जुड़ा हुआ है। आप उस गाथा का स्मरण करके उस यंत्र का लाभ ले सकते हैं और इस भक्तामर स्तोत्र की प्राचीनता और उसका प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। आइए सुनते हैं श्री भक्तामर महास्तोत्र। Bye.
शशांक कांता कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमो बिबुध्या कल्पांत काल पवनोद्धतन क्रच संस्थवीन भव संतति सन्न
शिखरात्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे यै शांतराग रुचि भी परमाणु भी स्त्वं निर्मापित त्रिभुवनै कललामभूता तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यत्ति समा चिदुपया
शंकरोऽसि भुवन त्रय शंकर धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि शशांक कांता
सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्यद्व निर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य Thank you.
वक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण बाण वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित